हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, होली आ रही है, तो इस बार होली पर आप बनाइए स्पेशल दही चना चाट। देखिए कितना बढ़िया हमारा चाट बना है, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा इस चाट को देखकर। तो चलिए अपने चना चाट की रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साइड में जो ये बेल बटन दिया गया है ना, इसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अपने चना चाट की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमने सामान लिया है वो इस प्रकार है। मैंने आधा कप काबुली चना और आधे कप से थोड़ा कम जो काले चने होते हैं वो दोनों रात भर भिगोए थे, और सुबह उनको 2-3 सीटी लगाकर उबाल लिया। ये हमने बॉईल कर लिए हैं। साथ ही में मैंने ये मट्ठी ली है, ये मट्ठियाँ मैंने घर पर ही बनाई हैं। और मैंने 2 छोटे आलू उबालकर क्यूब्स में काट लिए हैं, 1 टमाटर और 1 प्याज को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। साथ ही मैंने जीरा पाउडर और चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक ले लिया है। इसके साथ ही मैंने दही ली है, दही में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है जिससे कि थोड़ी सी इसमें मिठास आ जाए, जो कि पापड़ी चाट के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बाहर भी अब जब आप खाएंगे तो आप देखेंगे दही में आपको थोड़ी सी मिठास लगेगी। और ये मैंने ये इमली की खट्टी चटनी बनाई है, इसमें मैंने कुछ फ्रूट्स डाल दिए हैं जैसे अंगूर, केला और थोड़े अनार के दाने। आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, वो आपके इच्छानुसार है। एक मैंने अनार मीडियम साइज़ का लेकर छील लिया है, ये अनार के दाने मैंने ले लिए हैं। और साथ में मैंने धनिए, पुदीने, हरी मिर्च की जो हम नॉर्मल चटनी घर पर बनाते हैं, अदरक लहसुन वगैरह डाल के वो बना ली है। थोड़ा सा मैंने इस चटनी को पतला रखा है क्योंकि हमें ऊपर से ये सर्व करने के लिए डालनी है, तो ऐसा हो कि उसमें से अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए चाट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कोई बाउल ले लेंगे, बड़ा बाउल, जिसमें कि हम इन सभी चीज़ को डाल के अच्छे से मिक्स कर ले। तो मैं पहले इसमें चने डाल दूँगी, पहले मैं इसमें थोड़े चने डाल दूँगी। चने के बाद मैं इसमें जो कटे हुए आलू, टमाटर और प्याज है वो धीरे धीरे कर इसमें डाल दूँगी। आलू डाल दिए हैं, अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी ऊपर से। इसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। आप ये जो क्यूब्स आलू के हैं, टमाटर और प्याज, अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इतना ही। अगर आपके ये टेस्ट के ऊपर है आप इसमें ज़्यादा कम भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा मैं काला नमक डाल दूँगी, और ये अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं हम। और मैं अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी, मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें चाट मसाला डाल दिया है। पहले हम इसमें थोड़ा ही मसाला डालेंगे क्योंकि जब हम सर्व करेंगे इसको प्लेट में तो हम ऊपर से भी फिर इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डालते हैं। अब मैं इसको ऊपर से ढक्कन लगाकर इसको थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे तेज़ तेज़ इसको हिलाऊँगी ताकि ये जो है अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। देखिए इसमें सभी मसाले अच्छे से मिल गए हैं, आप देख सकते हैं जो भी हमने इसमें मसाले डाले थे वो इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो चलिए अपना चाट अब हम सर्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक प्लेट ले लेंगे, मैंने एक डिस्पोजेबल प्लेट ले ली है। उसमें सबसे पहले मैं जो मैंने पापड़ी बनाई थी उसको मैं इसमें क्रश कर डाल दूँगी। देखिए मैंने ये तोड़ कर सभी इसमें डाल दिए है, मैंने 3 से 4 पापड़ी इसमें तोड़ कर डाल दी है। अब मैं इसमें ऊपर से जो हमारा मिक्सचर है चने का, जिसमें हमने सारे टमाटर, प्याज और आलू के जो क्यूब्स हैं और ऊपर से मसाले डाल के जो हमने रेडी किया था वो हम इसमें डाल देंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर इसमें मिक्सचर डाल दिया है। अब हम ऊपर से जो दही है वो डाल देंगे। दही हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और दही के बगैर चाट बिल्कुल अधूरा है। अब हम इसमें अपनी जो धीरे धीरे कर चटनियाँ डालेंगे, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर हरी चटनी डाली है, और अब मैं इसमें जो मैंने खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई थी वो ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए हमारी चटनी कितनी लाजवाब लग रही है और हमारा चाट भी देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इन दोनों चटनियों की और मट्ठी की रेसिपी भी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर डालने वाली हूँ। अगर आप एक बार ये चाट घर पर बनाएंगे तो देखना, इसको बार बार आपका बनाने का मन करेगा। अब मैं ऊपर से इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूंगी,
और फिर चाट मसाला और काला नमक और लाल मिर्च पाउडर धीरे धीरे कर कर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। इसमें हमें थोड़ा ही ऊपर से डालना है क्योंकि हमने जब पहले ये मिक्सचर रेडी किया था चने वाला तो हमने उसमें भी इसमें सारे मसाले डाले थे। कुछ लोग ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं तो वो अपने टेस्ट के अनुसार इसे चटपटा कर सकते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा मसाला कम खाते हैं तो वो अपने आप टेस्ट के अनुसार मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब लास्ट में मैंने इसे अनारदाने से गार्निश कर दिया है और मैं अब इसमें जो हमारी पतली वाली सेव होती है आखिर में मैं वो डाल दूंगी। अगर आपके पास ये सेव ना हो तो आप आलू भुजिया वगैरह भी डाल सकते हैं या कोई भी मिक्स नमकीन भी आप ऊपर से सर्विंग के लिए डाल सकते हैं। देखिए हमारा जो चाट है बनकर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है, बिल्कुल खाने के लिए हमारा चाट तैयार है। भाई मेरा तो चाट बिल्कुल बनकर रेडी है, मैं तो अपना चाट अब खाने जा रही हूँ। आप भी बनाइए और सभी को खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका चाट कैसा बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।